पक्का वो तो करेंगे। पहले उनको भिजाओ यहाँ से बच्चों तमाशा नहीं बनाना बोले तो क्या बोले, क्या बोलने का मकसद है आपका बोलिए। बात करो ना, बात करो मैं तरीका नहीं है। बोलिए आप एक मिनट अंदर आप एक मिनट अंदर सुन रहे बोलिए बात सुनो बोलिए। आप अगर तमाशा बनाएंगे तो हम दूसरा केस करेंगे। मैं तो ये बोलो आपको क्या लीगली चाहिए, सपोर्ट करेंगे पुलिस वाले। वो बोला आप सब लोग जमा करें तो हम सपोर्ट करेंगे सब ऑफिस में बैठे बच्चों बात करें ऑफिस में बच्चों। हम लोग MRM कॉलेज ऑफ फार्मेसी के हैं जो इब्राहिमपट्टनम पे है। हम लोग की बस का कल एक्सीडेंट हुआ 29 मार्च को, जिसमें हम लोग के स्टूडेंट्स बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे और हमारे ड्राइवर तो लिटरली बेहोश हो गए। और हम लोग के बच्चे जो ओपोनेंट ड्राइवर था DCM का, उसको बच्चे हम लोग के बच्चे उसको उन्हें भाग जा रहा था तो उसको पकड़ के लाने गए तो उन्हें उन लोग को ढकल दे रहा था तो उन लोग को उसको पकड़ के लाने में बस पकड़ के ला रहे बोल के दूसरे हिंदू मुस्लिम है ये हिंदूज है लोग तो ये लोग मुसलमाना है लोग कैसा मारते लोग कैसा पकड़ते बोल के उस लोग को मारना शुरू कर दिया। हम लोग के एक एक बॉयज़ को भगा के मारे, उसमें से हम लोग के कईयों बॉयज़ इतने ज़ख्मी हुए उन लोग को सांस लेने नहीं आ रहा था। उन लोग को फौरी एम्बुलेंस लेके जाके हम लोग भिजाए। जब हम लोग का मैनेजमेंट भी कहाँ था कि हम लोग बहुत परेशानी से लेके गए हम लोग के बच्चों को पूरों को जो है सो एम्बुलेंस कैसा बहुत मुश्किल से प्रोवाइड करे। गर्ल्स भी सेफ नहीं थे, गर्ल्स पे भी हिंदू बच्चे पूरे पत्थरबाजी करे। हम लोग भाग लेते हुए अंदर गए कॉलेज के कैंपस तक आ रहे थे वो लोग पूरा पीछा करके। तो हम लोग के बॉयज़ हमारे कॉलेज MRM कॉलेज के बॉयज़ हमको सेफ्टी दिया। जब फैकल्टी वहाँ पे कम थी इसलिए फैकल्टी सेफ नहीं करी, लेकिन मैनेजमेंट तो सब होने के बाद आया था वहाँ पे। मैनेजमेंट नहीं था वहाँ पे, मैनेजमेंट सब कंप्लीट होने के बाद आया। फिर उसके बाद आज हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़े तो न्यूज़ में ये आ रहा है इब्राहिमपट्टनम की पुलिस से कि हम लोग की बस वाले डैश करके हम लोग की तरफ से एक्सीडेंट हुआ। और कहते वो ड्राइवर कहते बेचारा था कहते जो कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था वो ड्राइवर को, तो वो ड्राइवर बेचारा है कहते और हमारे बच्चे उसको मारे कहते, जबकि हमारे बच्चे पूरे ज़ख्मी हैं। हम लोग के पूरे बच्चे जो है सो इंजर्ड थे, क्रिटिकल स्टेजेस में तक थे। उन लोग का एम्बुलेंस हम लोग प्रोवाइड करे, उन लोग ज़्यादा तादाद में रह के हम लोग को मारे। हम लोग उन लोग को नहीं मारे, हम लोग मार ही नहीं सकते थे। हम लोग वीडियोस बहुत ले नहीं सक रहे थे, हम लोग इतना घबराए हुए थे, बच्चियां पूरे बेहोश होते जा रहे थे। एक के बाद एक कौन से एरिया में हुआ ये इब्राहिमपट्टनम पे हुआ, चिंतलपल्ली गुड़ा पे है। फाइव मिनट्स पहले के रस्ते में है आए थे हम लोग को देख के मुसलमान है ये लोग बोल के फतरमबाजी स्टार्ट करे। मुसलमान लोग आए तो अपना खामोश क्यों बैठे हुए है। हिजाब में रहने से हमको आइडेंटिफाई करे हमारे बसेस पे, इतना नहीं बल्कि ये सब हो गया ना। उसके बाद हमारी और एक बस एक पलटा के इसीलिए लाए थे ताकि दूसरों की जो इंजर्ड बस है उन लोग को सबको एम्बुलेंस में सपोर्ट देने के लिए बस आई थी। वो बस पे अटैक करे, कई को बोलते करो ये बस ये MRM की सेम कॉलेज की है लोग पे अटैक करो बोल के। हमारे पास वीडियोस है पूरे, उन लोग अटैक करे हमारी बस के ऊपर भी अटैक करे। और मैनेजमेंट क्या बता रहा है, मैनेजमेंट कोई सपोर्ट नहीं दे रहा हमको, मैनेजमेंट था ही नहीं हमारे सपोर्ट में। यहाँ पर जो भी सपोर्ट करे हमको सेफ्टी से एक्सीडेंट स्पॉट से जो कॉलेज में लेके गए वो हमारे कॉलेज के बॉयज लेके गए हमको सेफ्टी से। दो तीन फैकल्टी भी हमारी हेल्प करे उसमें, दो तीन फैकल्टी ज्यादा थी नहीं था चले फैकल्टी की भी गलती नहीं है। हमारी जितनी फैकल्टी थी वहाँ पे सपोर्ट करी, सपोर्ट मिला मैनेजमेंट से नहीं मिला, कॉलेज के बॉयज हमको सपोर्ट करे सेफ्टी से कॉलेज में लेके गए हमको, कोई नहीं था सपोर्ट करने। कितने लोगों ने आप लोगों पर हमला बोला था, क्या कुछ याद है कितने लोग थे? उन लोग की तादाद हम गिन तो नहीं सकते, इतने उन लोग इतने थे कि इतने लोग थे, उन लोग इतने लोग थे कि उन लोग बस हम लोग बोल नहीं सकते। हम लोग कुछ थे इसने उन लोग के सामने, हम लोग 30 थे तो उन लोग 400-500 थे होंगे। हम लोग बिजी थे, बच्चियां बहुत बेहोश हो रहे थे यकायक, उनको संभालते हुए हम लोग गोद में उठा के कॉलेज को ले गए। जो गर्ल्स गए वो भी चला सकते थे एक्टिवा, हम लोग एक्टिवा पे लेकर गए। कितनी दूर तक लेके गए, कहां से एक्सीडेंट स्पॉट से लेके पूरा कॉलेज की बिल्डिंग तक एक्सीडेंट 15 मिनट के ऊपर 15 मिनट चले हम लोग, बच्चियां बेहोश थे, वो लोग चलने की हालत में नहीं थे वो लोग, फिर भी हमारे बच्चे हम लोग पैदल गाड़ियां लेके बॉयज थोड़े जो बॉयज का सेफ महसूस नहीं कर रहे थे वो गर्ल्स जो एक्टिवा चला सकते थे वो लोग गर्ल्स को जो बेहोश हो रहे थे उनको बिठा के लेके गए। ये थी वहाँ पे पब्लिक जिसमें सपोर्ट के लिए कोई नहीं थे, सिर्फ खाली हमारे को मारने के लिए पूरे थी ये पब्लिक, जितनी भी पब्लिक थी पूरे हमारे पे अटैक करने की थी। सिर्फ हम लोग सेफ करना बोलते खुद हमारे बच्चे थे जो कि मुश्किल से 30 बच्चे थे होंगे वहाँ पे, वो बहुत ज्यादा है। वो बॉयज अगर नहीं रहते तो बताने हमारा क्या होता था, हम बच्चियां इतने घबराए हुए थे, हमको सपोर्ट किसी का नहीं था। वो बॉयज सपोर्ट करे हमको सेफ्टी से कॉलेज में लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पुलिस आने के बाद सिचुएशन कंट्रोल होने के
बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंचे, जैसा तैसा जो भी क्रिटिकल स्टेजेस में थे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब। क्या आप लोगों को डर लगता है दोबारा कॉलेज? हाँ बहुत बहुत, कल अगर एक्शन परसों हुआ, लेकिन कल भी हम लोग इतना सदमे में थे ना, हम लोग को ऐसा एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक, ये वर्ड से इतनी घबराहट हो रही थी बहुत। देखिए अगर आप लोग अगर आज एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप लोग कॉलेज को सपोर्ट, कॉलेज वाले कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा बोल के अगर आप लोग उन लोग को छोड़ देंगे, कल के दिन हमारे बच्चियां गाड़ियों बच्चे गाड़ियों पे जाते, बच्चियां आरटीसी में जाते, कॉलेज के बसेस जाते, उन लोग को तो मौका मिलेगा, उन लोग फिर से अटैक करने कम नहीं है। और हम लोग की हैज कितनी तादाद, हम लोग हैज कितनी स्ट्रेंथ, हम लोग की हम लोग माइनॉरिटी में है, वहाँ पे एक ही कॉलेज है माइनॉरिटी मुस्लिम कॉलेज, वहाँ पे हम लोग को कोई सपोर्ट ही नहीं है। अगर आप वहाँ की पुलिस भी उनके फेवर में है, वहाँ पुलिस ठहर के कुछ नहीं करी सो है वहाँ पे, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करना, हम लोग कैसे जाना कॉलेज, क्या एश्योरिटी है।